सब्सक्राइब कीजिए लजीज किचन चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए लेटेस्ट कुकिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू लजीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू रोल फिंगर, जिसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपका कुछ भी चटपट खाने का मन करे ना, तो आप इसे झटपट बना के खा सकते हो। तो चलिए जी, देखते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये इस तरह से रोल मिलते हैं, फिंगर रोल। मार्केट में आपकी नज़दीकी किराना शॉप पे मिल जाएंगे इजीली, आप वो ला लीजिएगा। अब ये देखिए, मैंने आलूओं को उबाल के अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो मैश कर सकते हो, मगर अच्छे से मैश कीजिएगा। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर की क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब ये देखिए, मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ, ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं इसमें सूखे मसाले डाल ऐड करूँगी, ये आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ, नमक टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, नींबू आधा नींबू डाला है मैंने। नींबू से ना बहुत ही अच्छा इसमें रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास पुदीना हो तो वो भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया है ये। अब इन सब मसालों को ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है ये। मिक्स अच्छे से कीजिएगा ताकि तमाम मसालों का टेस्ट आलू में अच्छे से आ जाए, सब मसाले एक जान हो जाए। इस तरह से अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब ये मसाले ना मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको बताती हूँ। इस तरह से देखिए, ये मसाले मिक्स हो गए हैं। अब ये रोल फिंगर बहुत बड़े बड़े थे, मैं इसे हाफ कर रही हूँ काट कर। अगर आपके पास छोटे रोल फिंगर आपको मिले तो बहुत अच्छा है। और ये इस पर ना मसाला भी लगा हुआ था, अगर आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके अंदर ना मसाला भरेंगे, इस तरह से इसमें होल होता है ना, उसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, दोनों तरफ से मसाला ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छे से फ्लेवर आए। मेरे खाते वक्त बहुत अच्छा लगता है ये। इस तरह से देखिए, बहुत ईजीली इसमें मसाला भर जाता है। इस तरह से बच्चों की भी मदद लीजिएगा, बच्चे इसमें मदद करेंगे फिर खाएंगे, बहुत मज़ा आता है। इसे आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और आप इसे एक बार बनाओगे ना, बार बार बना कर खाओगे, ज़रूर डिमांड होगी आपके पास बच्चों की, तो ख़ास तौर से कि ये बना कर दीजिए। कुछ भी झटपट सा चटपटा खाने का आपका मन करे ना, तो ये बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत मज़े का भी होता है। इस तरह से देखिए, मैं तमाम रोल को इस तरह से मसाले से भर लूँगी आलू के। अब ये देखिए, सेव थी ना, या फिर आपके पास इजीली जो भी सेव मिल जाए, आलू की सेव भी आती है, वो भी आप लगा के खा सकते हो। इस सेव को मैं दो तरह से इसमें लगा रही हूँ, इसे लुक भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है बहुत इजीली। और बहुत ही मज़े का स्नैक है ये, ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इस तरह से ये देखिए जी, आप इसे ग्रीन चटनी और खट्टी मीठी चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम और भी नई नई और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें, तो आप डोनेट कर सकते हैं। डोनेट लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।